अल्लाह सबको सलामत रखेगा। बस अब तो कोशिश फरमाएं कि थोड़ा गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। लोगों के बुखार भी सब बड़ा ज़्यादा शदीद है, तो बस अब दुआ फरमाएं कि अल्लाह हिम्मत तेरी तौफीक अता। बस आपने मेरा मोहब्बत ठीक है, जरा जितना आप सूफियाना माहौल पैदा करेंगे उतने फिर सीना कुशादा होता है, क्योंकि हम हैं जरा थोड़े नक्शबंदी, नक्शबंदियों का मौका भी है कि दिल में वो याद तेरी और वो शैतान है। आप जितना मेरा ये माहौल पैदा करेंगे फिर थोड़ा अल्लाह मेरा आप जाहिर देख के नहीं किए कि ये नक्शबंदी है, क्योंकि तारा हवा भी लग गई थी बहरहाल मैं ये गुनाकार नक्शबंदी मौजूद दी है। ये है कि बस पता नहीं कौन कौन सा राय चल रहा है, इसलिए बस हम तेरा मोहब्बत से समाप्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम أقال الله تعالى في الكلام الحكيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي قولي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهمين فإن من حدودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي أهل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الله بابا صلى الله عليه وسلم एक बार फिर गुरु पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि कोशिश करनी है कि दाएं ना देखें बाएं ना देखें ऊपर ना देखें नीचे ना देखें, बल्कि कोशिश करेंगे इनकी बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं आप भी उन्हीं की तरफ देखें। ठीक है, तो आप फरमाएंगे किस तरह देखें, आगे तो दीवार है, तो मैं आपसे ये अर्जी पेश करता हूँ, ये आपके लिए दीवार है, ये उनके लिए दीवार है, ध्यान रखा जाए क्योंकि आप जिंदा नबी की बारगाह में सलाम, क्योंकि तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से आप नहीं देख सकते, क्योंकि बल अहया हूं वला किल्ला तशुरू, लेकिन महबूब तो देख रहे हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि मैं बाप से कहा करता हूँ। अब इस तरह भी पढ़ेंगे ना तो वो कबूल कर ही लेते हैं, लेकिन जब फिर आप उस तरह पढ़ेंगे तो फिर बात ही कुछ और होगी, क्योंकि एक होता है सिर्फ पढ़ दें जो अक्सर उसको इस तरह उसी तरह करते, लेकिन एक होता है जी दिल से पढ़ना, जिसको मैं पंजाबी में कहूँगा याद करना, हम सिर्फ पढ़ते हैं हम याद नहीं करते, कोशिश किया करें सिर्फ पढ़ा ना करें बल्कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया। अच्छा आप पूछेंगे याद करेंगे तो फिर क्या होगा, होगा तो बड़ा कुछ, चलो मैं बस बारीक सा इशारा देकर आगे जरूर जाऊँगा। अल्लाह फरमाते हैं तू याद करेगा तो फिर ये होगा, क्या होगा, फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब रोम बुला दिए हैं, हम सब पढ़ते हैं हम याद करते हैं। ठीक है, कोशिश किया करें कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया करें।
हम पढ़ते हैं, हम याद नहीं करते। और कुर्बान जब हम रजी को याद करते हैं तो फिर आगे से भी पढ़ा करेंगे। हजरत सईद मोहम्मद को कुछ दिन बख्तियार का खीरा दे रहा, ठीक है, तो क्या कि हजरत हर रात 3000 बार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। तो ये मैं आपको ये बात जाती हूँ कह जाता हूँ, और मैं कहता हूँ हजरत जी हमारा करोड़ बार एक तरफ, उनका एक बार एक तरफ, ये भी याद रखता हूँ। लिखा है कि हजरत ने निकाह फरमाया, वो 3 रात अपनी बीवी के हुकूक अदा करते रहे तो तोहफा नहीं भेज सके हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के पास। तो लिखा है कि जब 3री रात अपनी इख्तिताम की तरफ रवाना दवा थी तो आपके एक मुरीद को ख्वाब में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की जान पड़ी। आपने फरमाया अपने शेख से जाकर कहना कुछ दिन क्या हो, 3 रातें गुजर गई तेरी तरफ से तोहफे नहीं आ रहे हैं। 3 रातें गुजर गई तेरी तरफ से तोहफा भेजा, तो कुर्बान जाऊं याद करना तो शुरू करो, फिर देखो हजरत जी याद आपको मदद कर देगी। हजरत जी क्या ये नशा है, किसी सूफी ने बड़ा बहुत कमाल लिखा, वो कहते हैं हजार जाम तसद्दुक हजार मैं खाने निगाह यार की मस्ती शराब क्या जाने। और मैं तो इस तरीका करता हूँ हजरत जी, झूठ बोल रहे हम जितने मर्जी बोल लो, लेकिन सच ये है कि रूहानी तौर पर हम दिन ब दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से दूर जा रहे हैं रूहानी तौर, ठीक। इसलिए कोशिश करें अगर वो जो अलामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला का नारा लगाया करते थे, वो नारा हमारा इन्हें भी जानना हो, हम सूफी लोग हैं, मैं सूफी नहीं है, कोई सूफी का खादिम नहीं, तो कुछ हम आते भी पढ़ गए हैं कुछ हम लोग, ठीक है। और हम बार दफा बहुत बहुत बड़े जुमले बोल देते हैं, मैं उस दिन स्टेज पे बैठा था, मैं कोशिश करता हूँ कि जिन्होंने बुलाया हो उनको कहता हूँ भाई मेरे तो पहले जरा तू कुंदाज खानी करवानी ना करवा, मैं भी स्टेज पर जाऊँ बस बयान होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम नाते नहीं सुनते, हम नाते सुनते हैं, कुंदाज भी तो सुनाएंगे तो ना सुनाए कुछ, उनको इतने ही पता नात में मनकबत में फर्क क्या होता है, तो नात भी तो सुनाए, हम सुने भी बैठे वालियों में ही सुनाए सबसे औला वाला हमारा नबी सुने जमीन जमा तुम्हारे ही सुनेंगे। तो तब अगर कोई हमारे स्टेज पे बैठ के हमें ये सुनाए कि अली बात उनको मोहम्मद दबीर और खास अहमद साकिब में सुने, ये अब हम कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके जाते खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मैं स्टेज पे जाके बैठा तो जो पढ़ रहे थे तो उन्होंने छोड़ा नहीं, अब वो शेर क्या पढ़ रहे थे मेरी तो उन्होंने जान निकाल दी, भाई इतना माफी देखो माफी नहीं दे दे। अब वो शेर पढ़ रहे थे उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं था, इस तरह का कुछ शेर मैं पहले भी शेर तले करके तो बह गया याद है माफी, ठीक है। जब माफी खत्म हुई ना तो मैं उनको साइड पर मैं ऐसे हाथ जोड़ के मैं शेर में अल्लाह को माफ़ी मांगा करो, अल्लाह अल्लाह का नबी हमें माफ़ कर, ये क्यों ना पढ़ो, मैं हुजूर बस गुनाहगार दी मान लो हुजूर की तारीफ करे आपको ना पढ़ो, ये क्यों ना पढ़ो, मेरा तो ये यकीदा है कि उनका मंगता मुझे मंगता होने नहीं है। तो मजे जी फिर उन्होंने मंगते तो 40,000 का लफाफा पहले को मंगवा दे खूब खाई कर बकवास करता, उनके मंगते को क्या लगे 40,000 पहले मंगा के तरीके ने उनका मंगता हो जो मंगता हो तो खुदा का खौफ खाइए, तो माफी मंगो अल्लाह को अल्लाह का माफ कर। मैं उसे कैटेगरी में खड़ा नहीं, इसलिए मैं इस तरह का कोई दावा नहीं, मैं तो माफी मांगता हूँ अल्लाह कहे हमें माफी नहीं दे। इसलिए मैं देख रहा हूँ जी दिन ब दिन रूहानी तौर पर हम बड़ी दूर जा रहे हैं, ये सिलसिला खत्म कर। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि उनका मंगता क्या, माशरे को जरूरत भी है इन लोगों की, क्योंकि जितनी देर आप खुद में रंग पैदा करेंगे उतनी देर काम नहीं होगा, क्योंकि 5 साल बाद फिर कोल्लू का पट्टा आएगा हमें को खाब दिखाएगा और फिर खतरे नूत के वादे से पाकिस्तान का सौदा,
मैं किसी को मैं भाई हम सुखी लोग हैं, हमारा अपना धर्म है, मैं किसी को कसूरवार नहीं कह रहा था। कसूर आपका हो गया है, ये कसूर आपका नहीं है। ये फिर वोट आने इलेक्शन आने वाले हैं, क्या होना है? किसी ने बल्ब के वादे पे वोट दे देना, किसी ने गली के वादे पे वोट दे देना, किसी ने किसी वादे पे वोट दे देना। भाई इस तरह से को हमें हम बना लेंगे अपनी गली, हमने गली के वादे पे वोट नहीं देना। हमें ये बताओ, अगर बात हुजूर की खातमुन नबीयीन के हवाले से हुई, अगर बात हुजूर की तौहीन के हवाले से हुई, सिर्फ इतना बता तू वहां बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इतनी देर हजरत आप भी रंग नहीं लाएंगे, ये रंग नहीं बनेगा। इतनी देर तक आप भी रंग नहीं आएगा, ये रंग नहीं बनेगा। इस दफा जब ये वोट मांगा है तो बल्ब की गल छाड़ जाए, लो आला की बल्ब हुजूर के कदमों पे कई बल्ब आ रहे थे, हम लगवा रहे हैं। ये बल्ब की बात ना सुना, तुम्हारी गली बनवाएगा, तुम्हारी सड़क बनाएगा, ये बातें भी ना सुना। बस इतनी बात बता, अगर बात हुजूर की नामोश की आई तो तू वहां असेंबली में बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और जो कि बोलूंगा उसको आगे से क्या कहना है? उसको कहना है रवि बोर्ड तो पीछे मैं ही तेरा नौकर, मेरे बच्चे भी तेरे नौकर। खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ के कहता हूं यार, जो ये वादा ना देख उसको वोट नहीं देना। क्योंकि हमारा नारा क्या है? इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें बस सिर्फ वोट नहीं देना। वोट इस दफा हम उसी को दूंगे देंगे जो हुजूर की नमाज के बाद। ये आप मैं किस तरह मांगी एक बंदा आप सबको? नहीं यार, आपकी मर्जी करो। अभी देखो मैं ये बताने लगूंगा, ये थे वो लोग इन्होंने जिनका सही ना रहता ही नहीं जानना नहीं जानना ना रखा गया थी काम। हजरत सैयदना साले मदीना हो गया, देखिए कि हजरत तवाफ का बड़ा मंसूर आ जाए तवाफ करने के लिए, बादशाह बहुत खड़े। लेकिन वो बादशाह था तो ये तो उनके गुलाम थे, न थूकते नहीं, वो तख्ते सिकंदरी पर बिस्तर लगा हो अक्का दिन करते नहीं। वो क्या हुआ था? जैसे यहाँ होता है प्रोटोकॉल, वो सब ने तवाफ को रखना मंसूर को प्रोटोकॉल दिया। लेकिन हजरत तवाफ करते हैं, अब मंसूर को गुस्सा तो बड़ा लगा, लेकिन हजरत का एक एक एक, एक रोह, एक इल्म का रोह, फिर इल्म के साथ अमल का रोह बदल। इसने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा, हजरत जो लोगों के दिलों पर आपका रोह दबदबा है, हमारा नहीं। किताबें आपने भी वही पढ़ी हैं, हमने भी वही पढ़ी। आपने फिल्म किताबें देखो पढ़ी हैं, लेकिन अमल एक हो जाती है, अमल का बड़ा रोह होता है। वो अब आपको क्या कुछ नहीं सीखा। उसने भी ना हजरत के साथ तवाफ करना शुरू कर दिया, लेकिन वो तवाफ नहीं कर रही, वो प्लान बना रहे हैं कुछ इस तरह का काम करें कि हजरत भी मेरे मन ना ले जाए। हजरत साहब ने लिफाफा मोल में बना रहा, वो जो है ना करता करता आपके करीब आ गया, आगे क्या करता है? हजरत सबने प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूं, आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ मांगे। और गैरत इश्क की वजह से रंग शुरू हो गया। आपने फरमाया मंसूर तेन शर्म नहीं है, अल्लाह के कार खड़ा हो, खड़ा होके मैं दावत गुना देना। वो घबरा गया, आपकी बात पसंद आई, आपको कुछ देना चाहता हूँ, दावत गुना कहां से हो? आपने फरमाया इससे बड़ा गुना हो क्या होगा? खड़ा उसके घर में हूं, मांगा तुझसे उनका मलका हूं, मलका होने लगे। ये वो लोग थे, दुआ करो को माफी मिल जाए। ये वो लोग थे जिन्होंने बातों में पहले दिए। आपने फिर तवाफ शुरू कर दिया, वो नस्ली तवाफ था, आपने सात चक्कर पूरे किए मकामी इब्राहिम पे, आके आपने जो नफी पढ़े, आप बेजम में पढ़िया, अब बाहर तशरीफ ले, अब मंसूर भी पीछे गए। जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकल गए तो उसने हजरत का हाथ पकड़ के फिर खड़ा कर लिया। तो अर्ज करता है हुजूर माफी देने वाकई गलती हुई, आपने फरमाया माफी दी। अर्ज करता है हुजूर हूं तो मस्जिद चुबार आ गई हूँ, खुश मत हो। आपने अच्छा फरमाया मंसूर अगर तू देने चाहता फिर तू ही बता, दीन मांगूं के दुनिया मांगूं? उसने इसकी हुजूर दीन के तो आप बादशाह, तो मुझे तो अल्लाह ने दुनिया दे रखी है, तो दुनिया में से कुछ मांगे। आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मंसूर जिस तरह आपने दुनिया बनाई मैंने तो कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांगू? इतनी देर तक आप इस पे पहला नहीं ना देंगे, नहीं जाना ना रखा है दुनिया से। खुद को बदलो,
उसका तरीका यही है कि सिर्फ ये हुजूर के साथ ना हो बल्कि ये हुजूर के कदमों में है। बात ठीक है, बात जब इधर से कनेक्शन लगे तो बात फिर बन, इसलिए कोशिश करें इधर से भी कनेक्शन हो जाए। उसका तरीका मैं कोई आपको मुखाने तरीका बताने लगा, उसका तरीका ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया, हम याद नहीं करते। तो आप कोशिश करिए, सजे नहीं गए इतना, कब्बे नहीं गए इतना, अखा बंद कर ली, ऐ ध्यान कोई कोई ननकाना मदीने तू दूरे मदीने तू ननकाना दूर कोई नहीं है, ऐ दूर नेड़े तो लेके भी ना पै जाए कि दूर ही बाहर बस है मान लो ननकाने मदीने दूर बड़ी ने खाना नहीं है। फिर हुजूर ने कैसे काम किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और भाई अपना अपना अंदाज है, या मेरे बुजुर्ग फिर फरमाया करते थे तू 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 याद कर जाता है तो उसे की होगा। आप फरमाते हैं कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा हर बार हमें, तो देखो हम ही कौन है जो ननकाने को रोज ही सानू याद कर रहा है, देखो तो सही कौन है भाई जो रोज ही सानू ननकाने याद कर रहा है। पुत्र मेरे बच्चों मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं बोला जाता, मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मुझे पता है मुझसे पहले बड़े किताबात हुए इस हवाले से बड़ी बातें, मेरा बस जो जो मेरी ड्यूटी है मैं बस उसी हवाले से गुजारा करूँगा। इस दफा नहीं ये मामला होगा जब ये वोट देने हैं, बस इन्ना कुछ नहीं भाजी ये गल जरूर दी आई तो समझी जी बोलो बस यही आपने काम और इसी काम की पाकिस्तान आप ठीक हो गए सब कुछ ठीक हो गए। हाँ ये यार आप तो सारे माशाल्लाह जवान आदमी बैठे हो कुर्बान जाऊँ, लिखा है कि जब जुनवी करीम सलातुस्सलाम ने हिजरत फरमाई मक्का पाक की तरफ से मदीना तैयबा की जाने तो आपने गारे शोर में कहा यार काफी पीछे पीछे थे तो नबी अली सलातुस्सलाम गारे शोर में जलवा गर हुए, मकड़ी में ज्यादा घूम दिया, कबूतरी अंडे दे दिए। अब पहले सवाल ही पैदा नहीं होता था, वो तो वापस लौट गए। अब लिखा है कि हजरत सईद अशमर रजी अल्लाह तआला अन्हा रात के अंधेरे में गारे शोर खाना देने जाती थी, किसी ने मुखबिरी कर दी अबू जाल किया कि मैंने रात को ना अशमा जो कि सिद्दीक अकबर की बड़ी बेटी है उनको रोटी लेकर जाते थे, तो अगर उससे वो बुलवा ले तो मुझे पता चल जाएगा कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर का। अब लिखा है कि वो अबू जाल आ गया हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हा, अशमा बच्ची नहीं है छोटी थी भी मेरे मुबारक है, उसने आगे हम दरवाजे पर दस्तक दी, अल्लाह की करनी दरवाजा भी हजरत अशमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खोला। ठीक है वो थोड़ा रोक डाल के हजरत अशमा को कहता अशमा कहाँ है तुम्हारे नबी अलैहि सलाम और मेरे वाले हजरत अबू बकर, जो उसने कहा मैं तो नहीं बोल सकता मैं तो दूर से बोल रहा हूँ। अब जरा कोई हिकमत इल्मी से काम लेना था, आप आगे से फरमाने लगी मुझे नहीं लिखा है किताबों में कुछ दूसरी बार नहीं पूछा, उसने इतने जोर से हजरत इस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा को थप्पड़ मारा कि आपकी बाली टूट के आपके रुखसार में प्रवस्त हो गई और आपकी गाल से खून का फवारा छूट पड़ा और वो गिर गया। अब उसने भी तौर पर होना तो ये चाहिए था ना उठकर वो कहती नहीं नहीं दूजी ने मारी मुझे समझ नहीं, लेकिन नहीं अगर वो भी तो बेटी से दिख गया वो भी तो बेटी से दिख गया खड़ी हो गई अबू जाल के सामने, उसको जवाब ने साथ फरमाती है अबू जाल पहली बार हिम्मत अमीर से काम लिया तुझे नहीं बताया कहाँ है, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम मुझे पता है मेरे महबूब और मेरे वालिद कहाँ है, अगर बाप का पुत्र है तो पूछ के बता वो कहते हैं ना
खोले जालू दिल के खोले जालू के सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के खराब से। ये पाकिस्तान किसी के प्यो की जागीर नहीं है, ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का पाकिस्तान है। ना ये किसी लीग का, ना ये किसी आई का, ना ये किसी पार्टी का, ये हुजूर का पाकिस्तान है। तो मैं उसी के प्रोग्राम में कह रहा था, मैंने कहा तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान के साथ, ये तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का करम है कि ये खड़ा है। हाँ इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ये बिल्कुल ये बात हमको सच है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद। इस गुनाहगार में हमारे सियालकोट में जैसे शरीर भाई बता रहे थे वो जुल्म की बात, मैंने भी एक बुजुर्ग की लाइन की, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथों पे कितनी लाइन है, मैंने अपनी आंखों से उस बाबे को देखा था, उसके हाथ पे कोई लाइन नहीं थी। एक तो तरह जल्दी हाथ का इस तरह जलना कि चमड़ी बंदे की सड़ जाएगा, लेकिन कुछ बंदे के हाथों पे ऐसे निशान भी होते हैं जैसे आपने गर्म देश की उठा ली, उसका निशान किसी और अंदाज का होता है। हजरत के हाथ बिल्कुल स्पॉट पे बिल्कुल। तो जिस घर में वो रहते थे ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने हजरत के हाथों को क्या हुआ, फिर उनकी बड़ी अम्मा थी ना जो उस घर की दादी थी, उन्होंने बताया कि ये अल्लाह ने ड्यूटी हमारे घर को अता की थी कि ये बुजुर्ग किसी भी वक्त हमारे घर तशरीफ लाते थे और हमारे घर हर वक्त इनके लिए सूट तैयार रखा होता था। उन्होंने सूट बदल दिया, उन्होंने फिर चले गए। कहते जब 65 की जंग लगी ना तो जितनी देर जंग रही ना ये नहीं, कहते जिन जंग खत्म हो गई उस दिन हजरत आए कपड़े चंगेड़ियाँ जैसे चंगे चले हुए कपड़े ले करेगा, और हजरत के आप कितने इतने सूचे। कहते आते ही हजरत मुसलमाने चले गए जो मजदूरों के अंदाज होते हैं, और अंदर से पुकारने लगे उन्हें कपड़े दिया हो, कहते हैं कपड़े दिए हजरत ने कपड़े बदले चार पर में बैठे। कहते मैंने हजरत के हाथों को देख के ना पूछा कि आपके हाथों को क्या हुआ, तो कहते जो उनका अंदाज था उसमें गाली देकर कहने लगे आए सन पाकिस्तान फतह कर, आए सन पाकिस्तान फतह कर, वो बम मारते हैं मैं कैच करके वापस उड़ चढ़ जाता है। वो लिखा है कि जो आपका खादिम था ना
वो सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते ना उससे आईना गिर के टूट गया। वो बड़ा परेशान है कि यार बुजुर्गों से पाक रजीला उतारा है, जब आईना मांगेगी तो क्या जवाब दूंगा। अब वो दौर तो नहीं था ना कि अगर मोटरसाइकिल निकालिए जाके बाजार से नया आईना दे, तो ना इस तरह के बाजार थे ना बाजारों में इस तरह आईने पड़े होते थे। चीजें थी लेकिन थी कामयाब, बड़ा परेशान है बुजुर्गों से पाक को क्या जवाब दूंगा। लेकिन देखो ना रजी खादन भी कुकिंग का था ना, चोर भी चोरी करने आए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है। वो तो वो था जिसको दिन में कई बार हुज़ूर से आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम लेके पुकारा करते, जो दिन में कई बार हुज़ूर से आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत किया करते, बस काम कर लिया सर। वो लिखा कि हुज़ूर से आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू कर लिया तो आप उसे फरमाया भाई आईना लाओ। तो ये नहीं कहता कि हुज़ूर सफाई कर दें कर दें टूट गया, और क्या करता है अलबला आईना की निशिकिस्त है हुजूर मैं नहीं तोड़ा कदा इसी टूट गया है। उसने अपना निकाल ही दिया, अपना नाम ही नहीं लिया उसने, साफ हो गया है दरमियान। अर्थ क्या करता है अल कदा आईना की शिकस्त हुजूर मैंने नहीं तोड़ा कदा इसी टूट गया। देखिए हुजूर वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिर फोर साथ मिसरा मिलाया और कहता है अल कदा आईना की शिकस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब में खुद भी नहीं सीखी, चंगा आया टूट गया, ना देखांगे ना अपना भी याद आएगा यार भी याद करेंगे। मैं मेरा निकलो नंबर ये नहीं है गलत, और मैं आपको सब कह रहा हूँ कभी जितनी देर ये किबला माशाल्लाह फरमाएं किबला सब सब तशरीफ। मैं अरे बात बड़ी गहरी है लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना इसको आसान कर सकूं। हुजूर नबी अलैहि सलाम और हमारे दरमियान जो पर्दा है वो पर्दा असल में नहीं है, मैं इससे ज्यादा आपको आसान नहीं कर सकता। वो पर्दा नहीं, मैं का पर्दा उठ गया तो फिर आपके महबूब की जरूरत नहीं होगा। हाँ तो मैं दलील दूंगा, मैं से बात नहीं करके जाऊंगा, मैं दलील दूंगा। इमाम यार सुन्नत रही हिंद में नहीं, हुजूर के कदमों में वादा करीब में आ गए। जिसको इतने उलूम पे दस्तरस है, जिसने इतने साल की उम्र में पहली बार अरबी बताया, जिसने इतने साल की उम्र में पहली बार फतवा दे दिया, नहीं कुछ भी नहीं कर रही, सारा कुछ निकाल के साए में रख दिया, अपनी नफी कर दी। और नूर की बारगाह में क्या करते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रहा तुमसे शायदा हजार फिर दे पर्दा कोई और नहीं है, तू पर्दा मैं ही हूं, वो मैं हूं पर्दा, वो कोई पर्दा और पर्दा नहीं, वो पर्दा मैं हूं। जिस दिन आपने मैं का पर्दा उठा दिया तो फिर आप भी हर जगह यही नारे लगाते फिरेंगे यार को हमने जा बजा देखा है। फिर आपके नारे यही होंगे इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत जय नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद जय नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। क्योंकि बुजुर्ग फरमाते हैं जिसको मैं की हवा लगी उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी। पर्दा क्या हो, पर्दा जब पर्दा उठ गया तो फिर वही रंग पैदा होंगे जो हजरत सैयदना अब्दुल अजीज का बाप रंग के बनता है, जो हजरत शेख अबुल हसन खिरकानी रंग के बनता है। यार ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं पूरी पूरी बुखारी दूर नबी अलैहि सलाम से पढ़ी पूरा रंग आज पैदा हो सकता है। निकलो तरह का मामला
काम मैं कोई मुखा काम नहीं बता सकता क्या करना है, जो नबी ने सिखाया है याद करना। अच्छा चलो आपको कुछ दिन बात सुनाता हूँ जहाँ से ये मुझ पर कर्म हुआ है, और मैं आपको तो सब बच्चों के आगे गुजारिश करूँगा यार इन पाप लोग मुझसे बड़ा प्यार, इनका प्यार तुम्हें बड़ा फायदा देगा, ये मेरी झोली में जितने फूल हैं सारे इन पाप लोगों में दिए, ये हमारे सियालकोट में जहाँ मेरा घर था तो मेरे घर के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान था, वह बुजुर्ग रहा करते थे, ठीक है। लेकिन एक गल याद रखनी, ऐडा बुजुर्ग बना प्यार पाने बुजुर्ग बना प्यार भी पड़ा है, उनका प्यार किसी मजलूम से था, क्योंकि जो मजलूम मौज में आया वो मजलूम करेगा, ये सालकीन है अगले दिन कई काम है आपको पाक दर्द जिंदा कर देना, मजलूम को मौज आई वो मजलूम करेगा, बस मौज आई किसी को बड़ा मैं मुख्तसर करूँगा। मैं कहता हूँ जाते जाते वो तोहफा जो मुझे हजरत ने दिया, मैं जब मैं लाहौर से अपने सियालकोट वापस आया जुमे रात थी, धुंध पड़ी हुई सख्त सर्दी, अगर कब्रस्तान में बैठे आपने मुझे जाते देख लिया, आपने बंदा भेज दिया मुझे कब्रस्तान बोला, मैं गया हजरत ने ना ये बात है सन 2002 की, आपने ना मुझे 1000 का नोट अनायत फरमाया, अनायत फरमा के कहने लगे मौलवी जी ये काम कहिए तो कर दो, क्योंकि नोट 1000 का था, मैंने कहा आप 1000 काम हुक्म फरमाए मैं कर दूंगा, फरमाने लगे यार मैं तो और जान नहीं सकता तू आता जाता है तेरे रस्ते के मिदार कदर बाबा से क्या अल्लाह ही सदा में से थी, लेकिन रन में ना चल बोले और थे उठे चली जिससे सारे हुए अल्लाह, ये मैं समझना कि इनका दिल नहीं करता, दिल इनका भी करता है कि ड्यूटियां लग गई हैं, दिल तो करता है तो चलिए लेकिन ड्यूटियां लग गई नहीं, हुजूर की उम्मत की क्या खाई कर ये ड्यूटियां कर नहीं, जो दिल सब कुछ करता है तो चलिए, तो जिससे तो निकला गया सो निकल गया, जिससे नहीं निकला वो क्या करते हैं वो जान बूझ के अपने नाम बदल देते हैं, हजरत ने अपना नाम बदल दिया ताकि मेरा नाम ही कोई बदले, वो इनका पहले मिजाज मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने थोड़ा सा हट के था सड़क पे, जब सड़क की तुष्टि हुई आपका मिजाज के रामी के किनारे शिफ्ट कर दिया तब वहां था, मुझे फरमाया था कि यार एक बाबा बैठा है तो ठंड बड़ी है तो बाबे को जूते लहन की कख नहीं है तो तू जा के ना मेरे लू बाबे कंबल लह के, असल में कंबल नहीं था हजरत ने नहीं तरबीत की, क्योंकि हजरत की किताबों में पढ़ा कुछ और था आंखों से देखा कुछ और होता है, मैंने कहा हम कोई काम ही नहीं हो जाएगा, लोही हम लाहौर है उस दौर में भी हजरत अच्छा कंबल 1000 में नहीं मिला, लेकिन लाहौर में क्योंकि बड़ा अच्छा ऑप्शन है नडे का हम वहाँ चले, हमारे पठान दोस्त थे हमने उनसे बहस कर आते ना 800 में कंबल ले लिया, 200 महीने अपनी जेब में आती है, जब सियालकोट जाऊँगा बाबा जी को दूंगा बाबा जी बड़े खुश हो गए, लो जी मदरसे कंबल लाए फिर ख्याल आया कंबल कोरा नहीं इस्तेमाल होया, पता नहीं कि पकीदगी का की हाल है, मजबूर ने और नजासत गलीजा है खफीफा है की अच्छी बड़ियों बड़ी ताना तोता, अब मदरसा सामने रही ड्यूटियां दे के ना हमें छत पे कंबल सुखाया बुध कर दिन आते हैं बाहर आए आग करी वहाँ रक्षे पर बैठे हम मिजार आके उतरे कंबल मारे हाथ में था मैं मिजार में था ना बंदा ना बंदे की हाथ एक ही बंदा बस अखा मन करके बैठे था वो खामोश, लेकिन उसकी खामोशी में इतना हो कि मुझे ऐसे लगे जैसे वो चीख चीख के कह रहा है जिसको तलाश करने है वो नहीं, लेकिन मैंने कहा बस बस आना अमानत में खयानत में हो, मैंने मिजार के दाएं बाएं सबसे पूछा किसी ने को मकबूल जवाब नहीं दिया, अब टाइम ही नहीं था मैं आपके गुलाब दस साल सही नहीं दीदा मैं अपने मदरसे वापस हो जाऊँ, मैंने रेडी कंबल इस तरह करके हजरत के कंधों पर रख दिया, चलो बोलने नहीं बोलते हो बोल गया, मैंने रूम तो फिर मैंने फिर कमर इस तरह करके ना मैंने इस तरह कर दिया ये चलो फिर बोल रहे हैं फिर नहीं बोल रहे, मैं थोड़ा सा इंतजार करके फिर वापस जाने के लिए निकला तो हजरत ने हाथ डाल दिया जो उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं भी खड़ा हो गया, तो मुझे फरमाते थे मौलवी जी कंबल के देख चले बेटा 200 बचिया भी तो देख लिया ताजदारे खत्म है बाबा ताजदारे खत्म है बाबा ताज
इतना भी पता है कि 200 मदरसे भी नहीं है जेल में पड़े हुए। फिर हजरत मैं उस दिन ये सीख के निकला था, चांदी तो इशारों से अपनी कायारी पलटते तुम, ईशान है खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या। बस इन्हें जाना, ये तो मामला खराब हो गया। तुमने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना छोड़ दिया। कहते तो मैं कि हम उनके मंगते हम कर उनके मंगते बनो। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है हुजूर की। ये तो मेरी थी ना। चलो हजरत शाह सुलेमान तो उसी रहे बड़ा मान बड़ा मान। मैंने पढ़ा कि हजरत का एक मुरीद था, याद रखना ये शाह साहब का मुरीद है, आप हुजूर के उम्मती हैं। ये शाह साहब का मुरीद वो आप हुजूर नबी अलैहि सलाम के उम्मती। ये फर्क आपने जरा याद रखना है कि रोल मॉडल आपको बात आया है। हजरत का मुरीद था जो इसके लिए मैंने पढ़ा है वो पेशे के लिहाज से ना हजाम का काम करता नहीं नहीं वाला पेशा। उसका कोई बेटा मैं खेल रहा था, वो घर नहीं आया। वो सब घर वाले थे, एक एक संत का उन्होंने तयन किया, तलाश नहीं मसाजिद को स्पीकर लगे नहीं थे, टेलीफोन इजाद हुआ नहीं था, पुलिस का निजाम इतना फाल नहीं था। तो फिर क्या हुआ, आखिरी ऑप्शन शाह साहब आखिर कर गया हुजूर। वो बेटा खेलने गए वापस नहीं आया, अब दुआ फरमाए क्या कुरान फरमाए। ये तरीकत क्या कुल है कि मुरीद बुलाए, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं। और ऐसे मुरीद अब हाल का नहीं होते। और मैं ये मेरा अपना तजुर्बा भी पर रहा शायद बात कुछ गलत हुई। अब अक्सर वो पेशतर जो मुरीद होने आते हैं वो मुरीद काम होने आते हैं, वो ज्यादा पीठ पड़ती होने आते हैं। कहीं मुरीद बात क्यों होंगे पहले दर्द पीठ पड़ती है, पर नहीं हर मुरीद हो। आपको क्या पता मुरीद की क्या शान है। बराबर मैं ये मौजूद नहीं हूँ ना से मैं पानी नहीं हूँ। वो मुरीद था, उसने उसके बाद दोबारा ये बात। और मैं जब कभी पढ़ता हूँ दोबारा मुताले में बात आई सुनतों में हाल है वो यार ऐसी मुरीद भी हुई। उसको 18 साल गुजर गए उसने दोबारा ये बात नहीं की। आपको पता वाला मुहन्नमा हम वालकुम बाउलादुकुम फितन की आजमाइश है। वो लिखा कि 18 साल वही दिन जिस दिन बेटा खोया था, वो घर में बैठे थे जब बात हो रही थी, वो दीदी साहब फट गए। वो कहें मैंने शाह रही मेरा सुना देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान लेना उसमें 100 में से 100 नंबर
बंदा भी इसके ना बुला लिया। अब किताबों में लिखा है कि शाह सुलेमान तोसली अलैहि रहमत सर मुड़वाया करते थे, अटेंड करवाते थे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत। अब उसको बुला के बताया कुछ नहीं, उसने सर से पगड़ी उतार के उसको कहते हैं यार वाल वाल भी मर गए तो मेरी टेंड नहीं कर देना, उसकी दूरी तो गई पीरों की टेंड कर देना, ब्लेड वाला ही दूसरा उस तरह उसने जनाब उस तरह तेज किया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक उसने ताही जाने से सारा मुंह धोना शुरू कर दिया। अब वो मुंह रहा है, बीवी ने जख्म बेटे की जुदाई का छील दिया, अंदर बेटे की जुदाई का तूफान पड़ पाया, लेकिन क्या किया जुबान को दांतों के नीचे दे दिया, कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की में नजर आ जाता है। लेकिन तूफान तो तूफान है ना, ये रास्ते बना देता है, जब उसको कोई रास्ता नहीं ना मिला तो तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और रुखसारों को बहना शुरू कर दिया। अब वो सार टेंड कर रहा है साथ वो रो रहे हैं, ये साइड ना सारी ये वाली उसने सारी मूंद दी इधर तक नीचे तक गर्दन तक। अब आना था उसने बाई जाने, जब बाई जाने वाले की उसने हरकत की ना तो वो आंसू जो पहले दाढ़ी से होते हुए उसके दामन पे गिर रहे, उसके चंद कतरे हजरत के सर के उस सिरे पे गिरे जहां से बाल उतर चुके। हजरत को तो वैसे भी पता था बहाने बनाना था, वो पीछे उसके देख के कहते ओ नहीं बाबा तू क्यों रो रहे, 18 साल बाद की रण में छेड़ी दूं क्यों रो रहे। वो गाली कहता ना ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नस, अब कोई 4 साल होता कोई गमगुसार होता, 18 साल बाद शायद ने पूछा था फिर तो फूट फूट के रोया हमने, पर मैं क्यों रो रहा है। अब कहता हुजूर मैं घर बैठा था 18 साल हो गए बेटा हुए आपकी बारगाह में आके अर्जी पेश की थी, आपने सुकूत अख्तियार किया, मैं भी नहीं बोला, आज मेरी बीवी ने मुझे ताना दिया, कहती सार हम उधर मना दी जिधर मेरा मुंडा लौट के देंगे, फरमाने लगे ये उसने कौन सा बड़ा काम क्या किया, जा तेरे जाने से पहले बैठे बेटा बेटा घर आ रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं हां जी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तआला फवाइदुल फवा शरीफ हजरत लिखा है कि हजरत अपनी खानकाह में खड़े थे, करते क्या थे बार बार जमीन पे ना सिर्फ अपना पंजा रखते थे, सारा पांव नहीं रखते थे, बार बार आदि अमल कर रहे थे, मुरीद सारे खड़े देख रहे हैं हजरत कर क्या रहे, किसी में हिम्मत नहीं को हजरत से पूछे हजरत आप क्या कर रहे हैं, जब हजरत आके अपनी मसलक पे बैठे सारे मुरीद हजरत की मदद हुई, अल्कि हुजूर आके आप बाहर खेम में खड़े थे और करते क्या थे बार बार जमीन पे सिर्फ पंजा रख रहे थे एड़ी नहीं रखते थे, आप क्या कर रहे थे। आपने फरमाया मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि हुजूर के लिए शेर लाई लड़ाई कदम है, कुर्बान जाओ निजामुद्दीन को उन्होंने इतना नवाज दिया मेरा तो आधा भी नहीं बन रहा था, कौन इनके साथ दौड़ सकता है, तो दौड़ सकता है, उसने बड़ी दौड़ लगाई तो पकड़ लूंगा, लेकिन जाने से पहले फिर क्या देखता सारा पिंड का इकट्ठा हो जाकर लोगों को बुलाने का था कि और प्यारी तेरी तेन पूछना है कि तेरी का की हो रहा है। जब उसने लोगों को हटा के अंदर बैठ के क्या देख क्या गली चार पर बिछी है जिसमें 20 साल का गौर जवान बैठा है, अब तो खून ठंडे पाएगी तब खूनों में गर्मी थी, खून में खून को खेचा, बाप को बताना नहीं पड़ा तेरा बेटा, बेटे को बताना नहीं पड़ा तेरा बाप है, दोनों बगल गिर हुए खूब रोए, जब अंदर के तूफान थम गए तो चार पाई पर बिठा के ना बाप बेटे से पूछता है वो पुत्रा गया के नहीं देखा, चंद्र वाली जान का त्याग नहीं पता नहीं कर जो बड़ा आया तेरे क्या सिखाने का, उन्होंने भी कभी नहीं किया कि साड़ी को ला, उन्होंने किया कि जितने मोदो आ गई लेकिन 10 दिन ही संगीता की 10 दिन जो आपके साथ अच्छा पुत्र है क्यों है उन्हें 10 आए अंदर वाली मेरा सिख माल की थे जगह सी में कोड़ा तैयार कर मुके मैं कोड़ा तैयार करके दीवार फाड़ के पूरी अलमू करके खड़ोता सा बाबा पूरी चुनी आया जमीन च निकल आया सामान पूरी का मैंने तो कर लेगा, वो कहता भाई पहली गलती है तो बाबा जी अगर सुने और जाहिर है खलार होकर जब पूछा लगा लेकिन सबसे बड़ी बाबे की निशानी है ये टेढ़ सन के सिर से वाल भी गुलाम हजरत शाह सुलेमान तोसली की शान है, फिर उनका आलम क्या हो गया। मैं आप सब बच्चों से पुत्र यही कहूंगा वफा करूंगा।
और उत्तर जर्मनी की वीजे के लिए उनसे भी और फाइनल जर्मनी के वीजे के लिए उनसे भी चिट्टी चमड़ी के लिए उनसे भी और फाइनल बिल्कुल मैं कुर्बान जाऊंगा कि हजरत बाबा फरीद लगे अब फरमाते हैं मुझे कुतुब शाह में सारे से फरमाते हैं मैं सारे से जो किसी दासी को भी उसका की बात करता अब फरमाते हैं जहाँ मोहन चाल मैंने पूछा कितने कोई अल्लाह ने उन्हें कहा जरा बैठे तो नहीं है बड़ा सामने पहाड़ दिस जाए उत्ते के खा रहे उठे रहने बाबा साहब फरमाते हैं मैंने सफर किया वहाँ पहुँचा अब फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा तो क्या देखता हूँ वहाँ एक टांग कटी पड़ी कहते अंदर जब मैं गया बाबा साहब बाबा बुजुर्गों के पास अब जो उनकी आपस में बातें हुई तो वो यहाँ करने वाले नहीं हुई कुछ वादत मौजूद है कुछ मार्फत का मौजूद पर अल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं वापस जाने लगा तो क्योंकि सुन्नत है अपने मेहमान को दरवाजे तक पहुँच सकते हैं और फरमाते जब हजरत उठे ना तो हजरत की भी दाई टांग को क्योंकि जो हजरत बैठे थे आपने गुदड़ी ओढ़ रखी थी कहते मुझे नहीं कहते हजरत की दाई टांग को थी एक टांग बाहर कटी पड़ी थी कहते मैंने जैसे पूछा जरूर एक देखी थे फरमाते आप कहते मैंने जरूर एक ही फरमाने लगे यार बस दावा कर कहते इम्तिहान और मैं इम्तिहान छे कहते वो क्या बाबा साहब कहते फरमाने लगे मैं सिगार में इबादत में मशहूर था तो बारिशों का गिना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ अब फरमाते सात दिन तवातुर से बारिश हुआ घर में इतनी ठंड हो गई मुझे लग रहा था कि ठंड मेरी जान दे दे अब फरमाते मैंने अल्लाह की हुजूर दुआ की आठवें रोज बारिश बंद हुई सूरज निकला अब फरमाते मैं तो घर के मुंह पे बैठा ना सूरज की तपश से अपने वजूद को गर्म कर रहा था तो क्या हुआ पास एक चिट्टी चमड़ी बनी हुई थी अब फरमाते मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी बस वो नजर से और मेरा जी चाहा कि मैं पीछे जाके फिर इसको एक बार देखो ऐसी मत मानी गई कोई पहाड़ के ऊपर औरत आ नहीं सकती थोड़ी होश करते फरमाते ऐसा गंबा हुआ और फरमाते मैं उठ खड़ा होकर गार से मैं सबसे पहले दाएं कदम बाहर निकला तो फिर गैब से आवाज क्या आती है वाह भाई वाह भाई वाह ये शब्द दावे साढ़े ना दे जाते गए ना पीछे कुछ जरूरत हो नबी इस्लाम से मांगे अब मैं आपको लेके आने लगा हूँ देखो कैसे नमाज लेकिन सिर्फ एक बस काम ऑलरेडी मैं का वो तो थिंग लाइक है एंड पाकिस्तान छट गए तो जो नबी अकरम का गुलाम है फिर देखो अरे क्या क्या नाम है क्या क्या नाम है हजरत शेख अब्दुल खैर अक्ते लाहे रहमत फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम ने बुलाया कहते मैं आपकी खिदमत दुआ दुरूद सलाम पेश किया अब फरमाते हैं एक दिन गुजर गया कुछ नहीं दूसरा दिन आ गया कुछ नहीं तीसरा दिन आ गया कुछ नहीं चौथा दिन आ गया कुछ नहीं पांचवा दिन आ गया कुछ नहीं वो हमारी तरह तो नहीं थी अफरमत मैंने किसी शेख के दरवाजे पर गया अफरमत मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मेरा यह नाम है और जाके इसकी दुरूद व सलाम पेश करने के बाद महबूब आपका मेहमान हूँ पांच दिन का भूखा कहते यर्जी पेश करके ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मेंबर शरीफ के पीछे जाके सो गए कहते जब सो गए ना तो ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हुआ और आगे खाब मुझे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने जगाया है तो तुमने का ममता बन ते मौला के ठान के लिए हजरत मौला अली है ये बात तो है कभी उनका मन अफरमाते हजरत मौला अली मुझे फरमाने लगे ओ अबुल खैर तू सोए देखो जो नबी अलैहि सलाम की शिफ लाई या के मादर खिदमत हुआ तो क्या देखता हूँ कि दाएं जानी हजरत सिद्दीकुना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला मजारा च भी ना मजार च भी ना खाबा च भी ना
कहते मैंने खाओ मीनू हजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चुनी तो हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना खाया तू हमारा मेहमान है और 5 दिन का ये ले ली रोटी खा कहते खाओ मीनू हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे रोटी बनाई कहते रोटियां तो बड़ी खाधी जी ने पहले खाधी ना बाद च खाधी अच्छा फरमाते हैं कि मैं साथ बैठा ना रोटी खा रहा था उस साथ में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की रूह बरकत जा रहा था अजय तू मेरा महबूब नहीं देखा हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ये है नबी और मैंने एक दिन कहा भी था मैं क्या है खुदा का नाम बजाय ये है सच्चे नबी ताड़ा कौन है ये है सच्चे नबी लाओ कोई भी बात ऐसी हो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं यहूदिया ने थोड़ी थोड़ी तोड़ते हुए ना मैंने आधी रोटी खा ली आधी अभी मेरे हाथ में आधी अभी मेरे हाथ में थी अफरमाते मैं खाना चाहता था क्योंकि वो रोटी नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अफरमाते मैं चाहता था कि मैं पूरी रोटी खाऊं आधी खाई थी अभी तो कहते हैं क्या हुआ आंख खुल गई वो मैं आधी खा नहीं सका आंख खुल गई लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊं आंख तो खुल गई लेकिन आधी फिर भी आ गई फिर भी सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ करती रहती है
हजूर मदद फरमाओ, मदीना छोटे वाला गल दरबार मुहम्मद अरबी का।